वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं 1000 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022। जैसे कि हम इससे पहले वाले भी वीडियो में बहुत बार बात कर चुके हैं, और इससे पहले जो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी वो संस्कृत महाविद्यालयों से जुड़ी हुई थी। आज जो हम अधिसूचना की बात करने जा रहे हैं वो कॉमन जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी से संबंधित है। और इससे पहले भी हम कई बार बात कर चुके थे कि आरपीसी जो भर्ती करेगी, जो कि विज्ञप्ति कब जारी होगी उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं कि वो भर्ती परीक्षा प्लस इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट ही यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से उसमें 3B की टेबल बनेगी और इंटरव्यू पे सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक पूरी कंफ्यूजन थी लेकिन आज सभी कंफ्यूजन दूर हो गई है। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 1986 के जो नियम थे उनको बदल कर संशोधित कर यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी संशोधित है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि ये जो नियम है और काफ़ी 2-3 दिन से न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं और आप सब पढ़ रहे हैं, और पीएचडी वाले स्पेशली बहुत खुश हो जाते हैं ये रेगुलेशन पढ़कर कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू हो गया। लेकिन अगर इस अधिसूचना को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको लागू होने और जो परीक्षा पैटर्न है या पुराना है या नया है वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले मैं आपको अच्छी मतलब एक खुशखबरी दे दूं कि जो विज्ञप्ति कब लागू होगी पहले उसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरपीसी में जो वर्तमान में 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है उसके काफ़ी फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। 23 सब्जेक्ट के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, केवल 8 सब्जेक्ट ही बचे हैं, जिसमें से भी 3 सब्जेक्ट तो बहुत छोटे हैं जो आरपीसी चाहे तो विद इन 1 और 2 डेज में उनके इंटरव्यू करवा सकती है। बाकी 5 सब्जेक्ट बच रहे हैं जिसमें जूलॉजी है, ज्योग्राफी है और EFM, ABST और BA है, जिसके इंटरव्यू 100% नवंबर या दिसंबर के मिड वीक तक फिनिश हो जाएंगे। तो ये जो विज्ञप्ति है आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने को 100% मिल सकती है, और ये विज्ञप्ति दिसंबर के लास्ट तक तो डेफिनेटली मिल सकती है। अब बात करते हैं जो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो आज अधिसूचना जारी की गई है, जो अब स्पष्ट कर दिया गया है परीक्षा का पैटर्न, उस पर बात कर लेते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये आप देखिए 14 अक्टूबर 2022 का है जिसमें बताया जा रहा है कि जो पहले राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शिक्षा नियम 1986 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात यानी जो अनुच्छेद 309 है उसके अकॉर्डिंग नियमों को बनाया गया है। हम इसमें जो मेन चीज़ें हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो मेन जो जो मॉडिफिकेशन किया गया है इस UGC रेगुलेशन 2018 को, कह रहे हैं अडॉप्ट कर लिया गया है, सब न्यूज़पेपर में आ रहा है, इसको अडॉप्ट किया गया है लेकिन गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने अपने ही नियमों के अनुसार इसको संशोधित करके इनको अडॉप्ट किया है। सबसे पहले तो इसमें जो पदोन्नति है, जो कि इनके जो प्रमोशंस जुड़े हुए हैं जो काफ़ी समय तक वो पेंडिंग पड़े हैं, नहीं हो पाया प्रमोशन, मेन चीज़ मतलब ये है कि उस पर फोकस किया गया है। इसमें निर्धारण के लिए एक जो समिति बनेगी उसकी पूरी डिटेल बता दी गई है। हमारे काम की इसमें जो चीज़ है वो ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की इस बार जो भर्ती होने वाली है उस पर परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको वहीं पर लिए चलता हूँ, बाकी पदोन्नति से जुड़ा हुआ है। अगर आप फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे तो उसमें हम डिटेल में भी बात कर लेंगे कि आपको पदोन्नति किस तरीके से मिलेगी और कितने समय तक मिलेगी। लेकिन आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है जो 1000 आरपीसी के जो पद हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करना है।
तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 8 नंबर पॉइंट पे, जो कि एलिजिबिलिटी को बताता है। ये हमारे काम की चीज़ है, सहायक आचार्य 100% सीधी भर्ती द्वारा। ये सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट सिलेक्शन है, सीधी भर्ती का मतलब इसमें वही चीज़ें हैं कि परीक्षा भी होनी है और आपके इंटरव्यू भी होने हैं, वो इस तरीके से है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। जिसमें बाकी की चीज़ें आप देखिए, कला वाणिज्य जो भी चीज़ें हैं इसमें कॉमन चीज़ें दी हुई है कि भाई आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होने चाहिए, कॉमन है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपकी नेट होनी चाहिए या उस राज्य की सेट होनी चाहिए, या आपकी उसकी PhD होनी चाहिए, PhD जो रेगुलेशन है 2009 होना चाहिए या 2016 होना चाहिए, इसमें सारी बात की गई है। फिर हम इसमें बात कर लेते हैं कि अब हम मेरा मेन मोटिव क्या है इसमें। इसमें आप पूरा देखेंगे तो ये कॉमन चीज़ ही बात की गई है एलिजिबिलिटी की, जो कि मैंने आपको बता दी कि 55% होनी चाहिए और नेट होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए या PhD होना चाहिए। उसके अलावा आपको कहीं पर भी इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ का मतलब नहीं ब्यौरा दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे तो इससे पहले वाला मैंने एक वीडियो, जो आपने अगर नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें मैंने आपको दिखाया कि जो संस्कृत महाविद्यालय है उसमें टेबल जो पूरा उसमें पैटर्न दे दिया गया है कि किस पैटर्न से भर्ती होगी। उसमें भी बता दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी और उसमें इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप कहीं पे भी ये पूरा 48 पेजेस का अधिसूचना है, इसको आप पूरा डिटेल में अगर पढ़ेंगे, अगर मैंने इसको पूरा देखा है, इसमें कहीं पर भी ये तो लेटेस्ट है 14 अक्टूबर की, आप देखिए इसमें कहीं पर भी है, पूरा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहीं पर भी आपको ऐसा कोई 3B की टेबल का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। पूरी अधिसूचना में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। इसमें पूरे दी भी है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्रियाकलाप क्या गए हैं, क्या सेमिनार का ग्रेडिंग रहेगी, सब कुछ। लेकिन जो परीक्षा का पैटर्न है ना, जो 3B यूज़ होता है, जो उसमें बताया जाता है कि भाई इस तरीके से भर्ती होगी, तो आप देखेंगे यहाँ राज्यपाल वगैरह सारी चीज़ें संयुक्त तो राज्यपाल के आदेश आदेश और नाम से ये 14 अक्टूबर का रामनिवास मेहता संयुक्त तो शासन सचिव, यहाँ पे पूरा आपको ये 48 पेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। कहीं पर भी आपको 3B टेबल का कोई ब्यौरा नहीं दिया हुआ है, यानी अब तक जो जितनी भी बातें हो रही थी वो सब आज पूरी पूरी तरह से कंप्लीटली गलत निकली हुई है। यानी जो इस बार भर्ती होने वाली है दिसंबर लास्ट वीक में या जैन के फर्स्ट वीक में आपको ये भर्ती देखने को मिली है, ये भर्ती इसलिए भी रुकी हुई थी ये नियमों के चक्कर में, और दूसरा जो अभी 2020 की जो रिक्रूटमेंट चल रही है वो फिनिश होने के बाद ही आपको देखने को मिलती है। तो बस विद इन अ 5 to 8 subjects के इंटरव्यू होने हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसकी भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, वही परीक्षा का पैटर्न है 200 मार्क्स का, और वही आपके इंटरव्यू का जो बीच में आता कि 10% से ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं हो सकता, वो भी बात गलत हो रही है। वो अभी परीक्षा का पैटर्न भी 200 मार्क्स का ही है, 3 सब्जेक्ट ही हैं, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट 75 मार्क्स का है, दूसरा सब्जेक्ट 75 मार्क्स का है, और तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ 50 मार्क्स का है, और आपका 24 मार्क्स का ही आपका इंटरव्यू है, और RPC लेने जा रही है, ये भी डेफिनेट हो चुका है अब तो। और उसके अलावा अगर हम इसमें ये बात करें, अब कोई संशय नहीं है, मतलब ये तो क्लियर हो गया, ये आज अधिसूचना आ गई। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि UGC रेगुलेशन 2018 लागू हो गया, तो आप उन्हें ये कह सकते हो ये लागू हुआ है, लेकिन वो संशोधित होते हुए लागू हुआ है, और वो केवल प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, और प्रमोशन के अलावा परीक्षा के पैटर्न पे बात नहीं की गई है। परीक्षा का पैटर्न पुराना ही रहने वाला है, UGC रेगुलेशन लागू है लेकिन 3B को इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, जो आज क्लियर हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी अभी नया अपडेट आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।